हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आज मैं उड़द दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने चावल धोकर और ये बाउल में रख लिया है और उड़द की दाल रखा है, देसी घी, प्याज, हरी मिर्च और हल्दी, नमक। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले चावल को डालेंगे कुकर में। ये मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने घर के मेंबर के अनुसार बनाइएगा। फिर ये दाल डालेंगे उड़द की। फिर पानी डालेंगे। देखिए, इस बाउल से मैंने दो बाउल पानी डाला है इसमें। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हल्दी बहुत जरा सी डालेंगे, वैसे बहुत लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि बिना हल्दी के शुभ नहीं होता है। तो डालकर नमक और हल्दी को चला देंगे, जिससे नमक और हल्दी मिल जाए। और देखिए, पानी बिल्कुल चावल और दाल के बिल्कुल जस्ट ऊपर है। ज्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से मैंने दाल और चावल को धोकर भिगो दिया था तो एक घंटे पहले। और अब चलिए कुकर को गैस पर चढ़ाते हैं। देखिए, गैस चूल्हे पर कुकर को रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम फुल होगी, एक सीटी आने तक इसको जलाएंगे। और अब ढक्कन लगा देते हैं। एक सीटी के बाद बंद कर देंगे। देखिए, एक सीटी आ गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। कुकर से अपने आप गैस रिलीज होने देते हैं। देखिए, कुकर से गैस अपने आप पूरी निकल चुकी है। और कुकर को खोलते हैं। देखिए, खिचड़ी कितनी सुंदर हुई, खिली खिली अपने आप, बढ़िया। अब चलिए, अब मैं खिचड़ी को फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं सबसे पहले घी डालूंगी। ये देसी घी है। खिचड़ी में घी ज्यादा ही थोड़ी पड़ती है, तभी खिचड़ी अच्छी लगती है। ये चार चम्मच के करीब घी डाल दिया मैंने। गैस की फ्लेम फुल है।
और अब डालेंगे जीरा एक चम्मच, देखिए कि जीरा चटक रहा है। अब हींग डाल देंगे, हींग बहुत ही जरूरी है कि उड़द की दाल में हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के साथ प्याज डाल देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे। देखिए प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, थोड़ा और भूनेंगे इसे। उड़द दाल की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं तो हर शनिवार को बनाती हूँ और आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इसमें हींग जरूर डालिएगा। हम लोग और इस खिचड़ी के साथ में लाल खड़ी मिर्च को तल कर रखते हैं और साथ में खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चटनी रायता सब चीज हो सलाद बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए प्याज हो गया है, अब इसी के साथ हरी मिर्च डाल देंगे जो मैंने पहले से ही काट कर रखा था। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। देखिए प्याज पूरी तरह से हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी खिचड़ी जो मैंने पहले से बनाकर रखी है। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी खिचड़ी ना सफेद बनी है और ना पीली बनी है, कितना सुंदर कलर आया है कि देखकर ही आपको मन करेगा कि खा लूं। और चटनी रायता हो तो क्या कहने। तो चलिए गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व करते हैं। देखिए है ना खिली खिली बनी।
फ्रेंड्स, हमारी उड़द दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं हरी धनिया की चटनी के साथ, रायता के साथ। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय।